दोस्तों, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप एक भी रुपया फेसबुक से नहीं कमा पाएंगे। अगर कॉपी पेस्ट करके आप फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। अगर उसको आप सही तरीके से ढंग से पोस्ट नहीं करते हैं, उसमें मतलब कि एडिट नहीं करते हैं उसको अच्छे तरीके से जैसे किया जाता है, अगर आपने वीडियो ऐसे उठाया और अपन ने ऐसे डायरेक्ट अपलोड कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उससे एक भी रुपया नहीं मिलेगा, ना ही फेसबुक पेज मोनिटाइज होगा। उसका क्या है कि एक तरीका होता है कि कैसे अपन को उसको एडिट करना है। एडिट पर ही पूरा खेल रहता है, जिससे आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी ना कोई पॉलिसी इशू आएगा। और लोग जिससे पैसा कमा भी रहे हैं, मतलब कि एडिट करके कमा रहे हैं, तो वही तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आपको वीडियो को कॉपी करना है, कैसे उसमें एडिट करना है और फिर आपको पोस्ट करना है। और मैंने भी कुछ एडिट करके वीडियो पोस्ट की है, तो वो भी आपको बताएंगे, उसमें कोई भी इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अपना पहले पेज ही दिखा देता हूँ जो मैंने उस पर कॉपी पेस्ट किया है, और मेरा पेज भी मोनिटाइज है। तो अभी देखिए, चले हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, साइड में देखते जाइए आप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले अपना पेज ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पेज ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट वगैरह डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाइव प्रूफ देखिए और पूरा वीडियो देखिए, आप अच्छे तरीके से समझिए कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे उसको एडिट करना है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रील वाले सेक्शन पर जाता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे रील डली हैं जो मैंने इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से उठाई हैं और इस पर फेसबुक पेज पर अपलोड की हैं। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये डली हुई हैं और मिलियन मिलियन में तक रील गई हैं। जैसे कि देखिए, ये 2 मिलियन गई है। तो ऐसे आपको करना है एडिट, तो चलिए हम एडिट करके बताएंगे और कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। तो चलिए हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम से आप वीडियो उठा सकते हैं, चाहे आप फेसबुक से वीडियो, वो YouTube से वीडियो उठा सकते हैं। तो Instagram से हम कोई सा भी वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है Bitmate। आप Google पर डालेंगे Bitmate, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्ले स्टोर पर नहीं रहता है। अपन को ऐसा वीडियो डाउनलोड करना है, चाहे आप YouTube से कर रहे हो या चाहे इंस्टा से कर रहे हो, जिस पर कोई भी लोगो वगैरह ना हो, क्योंकि लोगो वगैरह रहता है तो दिक्कत आ सकती है। तो लोगो वगैरह वाला आपको वीडियो नहीं करना है, या किसी का कोई अकेले का फेस दिख रहा है तो ऐसे भी नहीं करना है। काफ़ी भीड़ वगैरह है तो हाँ चल सकता है। तो मैंने एक गाड़ी वाला वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपन को डाउनलोड करना है जो अपन को सही लगे। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये शेयर वाला ऑप्शन आ चुका है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब सीधे जाएंगे हम Bitmate में, तो यहाँ स्वाइप अप करते हैं, तो Bitmate पर क्लिक कर देते हैं। जैसे Bitmate पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएंगे, फॉर्मेट आ जाएंगे किस में आपको इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 720 में जितनी इसकी हाई क्वालिटी होगी वो उसी में आ जाएंगी। तो ये 720 तक इसकी क्वालिटी है, तो इसमें हम डाउनलोड कर लेंगे। MB देख सकते हैं, 2.16 MB की फाइल है, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं सिंपल। तो यहाँ पर ये डाउनलोड होने लगी, देखिए कुछ ही सेकंड में ये डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप एडिट करने के लिए, वो है VNF। यहाँ पर देख सकते हैं, यह VNF, तो इसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी। ये आप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करना है, जैसे ही अपन इसको ओपन करेंगे तो प्लस वाले आइकन पर अपन को क्लिक करना है, कोने में देख सकते हैं नीचे, तो इस पर अपन को क्लिक करना है। उसके बाद न्यू पर आपको क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर अपन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो आ चुकी है, 6 सेकंड की वीडियो है ये, तो इस पर अपन क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया, ऊपर देख सकते हैं ओरिजिनल, ये ओरिजिनल साइट है। अगर ये किसी भी टाइप में है तो अपन को क्या करना है, 9:16 रेशो में अपन को इसको कर लेना है। जो टिकटॉक का आइकन दिख रहा है इस पर अपन को क्लिक कर लेना है। अगर कोई और साइज में है, बाकी ये उसी साइज में थी, तो ये अपन को कर लेना है। अब जिसकी जो पीछे वाली जो ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है इस ऐप में, तो ये अपन को हटा देना है। अब क्या करना है कि इसमें अपन को कुछ लिखना है, इमोजी वगैरह भी लिखना है और लगाना है, और इसमें अपनी वॉइस भी डालना है। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट ही जो उसमें वॉइस है उसी में डाल दो, ऐसा नहीं है। अपन को इसमें पहले लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये टी वाले पर, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या कार है, क्या कार है भाई। तो उसके बाद यहाँ पर एक कलर दिख रहे हैं, इस पर अपन को क्लिक करना है। यहाँ से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कौन सा लगाना है, तो बैकग्राउंड पर जाएंगे और येलो लगा देंगे, येलो सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद एक रिड्यूस पर आप देख सकते हैं, इसको अपन को ऐसे करना है, अगर तो ये गोल टाइप में हो जाएगा। इसको अगर नहीं करेंगे, पेंडिंग वाला है, पेंडिंग वाला है, इसको अपन क्लिक कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको अपन खींच भी सकते हैं, जैसे अपन को खींचना है,
तो ऐसे अपन को लगा देना है, ऐसे अपन ने लगा दिया। अब इसको ब्लैक करना है जैसे अपन, तो फिर से अपन इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे, फिर कलर पर जाएंगे, और ये कलर दिख रहा है टेक्स्ट वाला, इस पर ब्लैक कर देंगे, तो ये ब्लैक हो चुका है। अब इसको खींच के पूरा लाएंगे अपन वीडियो तक, तो ये नीचे तक हो गया। अब नीचे अपन इमोजी लगा देंगे, तो फिर से अपन टी पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे, फिर ये एड हैंडिंग पर, फिर अपन क्या करना है कि अपन को फिर ये इमोजी वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इस पर आप कुछ भी इमोजी लगा सकते हैं, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, नीचे लगा देते हैं, फिर इसको अपन पूरा कर देते हैं खिसका के, तो ये अपना ये पूरा हो चुका है। अब इसमें अपन को वॉइस डालना है, अपन को अपन जैसे कुछ भी बोलना है कि देखिए भाई किस तरीके से एक एक्सीडेंटल कार चल रही है, जो अपने वीडियो के हिसाब से अपन को एक स्क्रिप्ट लिख लेनी है, तो फिर अपन को ये म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड, यहाँ पर ये इफेक्ट आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है, तो अपन को रिकॉर्ड वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो फिर इसको ये ऊपर वाले आइकन उस पर क्लिक करना है, व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही अपने लाल वाले बटन को क्लिक करेंगे, इसमें कुछ सेकंड चलेंगे, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। जैसे हम लाइव करके दिखाते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए सेकंड चलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम बोलेंगे तो देख सकते हैं भाई लोग, एक एक्सीडेंटल कार किस तरीके से चल रही है रोड पर, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई फिर भी चल रही है रोड पर। तो देख सकते हैं ये अपनी वॉइस रिकॉर्ड हो गई। अब फिर अपन को ये राइट वाले पर क्लिक करना है। अब देखिए चलिए हम सुनाते हैं अपन इसको, तो आप इसको सुनिए। भाई लोग एक एक्सीडेंटल कार किस तरीके से चल रही है रोड पर, पूरी गाड़ी खत्म हुई फिर भी चल। तो इस तरीके से अपन को एडिट करना है, अपनी वॉइस डालना है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे अपन साइड में फोटो कैसे लगा करके भी अपन शॉर्ट वीडियो वगैरह बना सकते हैं कहीं से अपन डाउनलोड करके, तो ऐसे में भी अपना एक सही तरीका है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप खाली वॉइस इसमें डाल करके आप बना सकते हैं वीडियो। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो इस राइट इस कोने वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तीर के निशान पर जो ऊपर रखा हुआ है, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपन को एक्सपोर्ट करना है किस साइज़ में, तो अपन 1080 में रहने देते हैं, 60 FPS पर रहने देते हैं। उसके बाद ये अपन बिटरेट भी कर लेते हैं, तो अपने हिसाब से कर लेना है अपन को, 20 से 25 के बीच में आप रहने देना है। 30 भी कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से अपन को जो ठीक लगे। बाकी अपन कम नहीं करना है कि अपन 10 12 15 ऐसा नहीं करना है, अपन को 20 25 से ज़्यादा ही करना है। तो चलिए हम यहाँ पर 30 रहने देते हैं, 30 35 एक्सेस हो गया, तो बस ऐसे हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये एक्सपोर्ट होने लगी अपनी फाइल। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके की ये बनी हुई है फाइल। तो अगर आप सिर्फ वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, और एक सही तरीका है। इस तरीके से मैंने भी वीडियो बनाए हैं और वायरल भी गए हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है पेज में, कोई भी दिक्कत नहीं है, पेज मोनिटाइज है, पैसे भी आ रहे हैं। देखिए हो चुका है, इस पर एक ऐड आएगा, तो इस 4 सेकंड का, इसको स्किप करने देते हैं, तो चलिए कर दिए, इसको कैंसिल करते हैं। फिर सेव ओनली पर अपन को क्लिक करना है, तो अपनी ये फाइल आ चुकी है। अब गैलरी में जाते हैं, लाइव दिखाते हैं आपको गैलरी में। देखिए ये पुराना वाला डला है, ये पुराने वाले डले हुए हैं, और ये अपन ने बनाया है। देखिए तो देख सकते हैं भाई लोग, एक एक्सीडेंटल कार किस तरीके से चल रही है रोड पर, पूरी गाड़ी खत्म हुई फिर भी चल रही। तो ये सही तरीका है, इस तरीके से अपन को वीडियो को एडिट करना है, और इस तरीके से अपन को अपलोड करना है एडिट करके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।